जिले के विजरा खवगढ़ बंजारी स्थित तारे का ट्रेडर से 20 नग पट्टिया और चारपाई के 24 नग पाया कि अधिकृत व्यापारी से बिल विवरण सहित खरीदी करके बरही आ रहे। बरही के कनौर निवासी तेजेश्वर विश्वकर्मा पिता किशोरीलाल विश्वकर्मा की रास्ते में रेंजर श्री शैलेंद्र तिवारी से भेंट क्या हुई, मानो उनकी जिंदगी में जटिलता आ गई। पीड़ित तेजेश्वर के मुताबिक रेंजर श्री तिवारी ने लकड़ी की खरीदी के समस्त वैधानिक दस्तावेज दिखाने के बाद भी लकड़ी को जब्ती बना लिया और जब इतने से मन नहीं माना तो उन्होंने मेरा मोबाइल फोन मेरे से जबरन छटक कर रख लिया और 50,000 देकर लकड़ी ले जाने को कहा, जो मेरे सामर्थ्य से सार्थक नहीं हो सकता है। वन विभाग और वहां पदस्थ रेंजर श्री शैलेंद्र तिवारी की तानाशाही से तंग तेजेश्वर विश्वकर्मा ने अपने साथ हुई ज्यादती को प्रदेश के मुखिया को पत्र के माध्यम से सूचित करते हुए अपने साथ न्याय होने की उम्मीद जताई है। इस ज्यादती और गैर जरूरी कार्यवाही को केवल तिवारी तय नहीं कर सकते, मसलन इसमें अन्य अधिकारियों के भी शामिल होने का अंदेशा है। तब तो सब जायज व विधिपूर्ण होने के बाद भी तेजेश्वर को तंग करने में आमादा है। संवाददाता कटनी हीरा विश्वकर्मा। अभी उनकी मर्जी, अभी नहीं बताया क्यों नहीं मान करेंगे। बोले वो डीपी है, ये है, वो है, सब पैसा, पैसा क्यों और किस लिए मांग रहे थे? पैसे इसलिए मांग रहे थे कि हम आपको छोड़ देंगे और आपकी गाड़ी को छोड़ देंगे। कितना कितना लकड़ी दोनों भी रख लीजिए सर। कितना मांग रहे थे? उन्होंने मांग रहे थे 50,000 रुपए मांग रहे थे। कौन मांग रहा था ऐसा, कौन कह रहा था? ये पंकज कह रहे थे, पंकज सर है। पंकज कौन है? पंकज सर उन्हीं के डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं। अच्छा। बोले साहब, बोले हैं कितने हजार अभी दे दो तो हम सुबह तक में छोड़ देंगे, नहीं यदि सुबह हो जाएगी तो फिर हम आपके द्वारा अगली कार्यवाही कर देंगे। आपकी गाड़ी और आपकी वो पूरी लकड़ी कहाँ है? बड़ी कार्यालय में। हाँ सर, बड़ी रेंज ऑफिस में चलते हैं सर। अच्छा, कि कब की कार्यवाही है? ये सर करीबन 9:50-10:50 के आसपास का टाइम है। कौन सी तारीख की रही होगी? हमें पकड़ा गया सर 12 के बाद पकड़ा गया। 12 तारीख जी। अच्छा, 10 तारीख को पकड़ा गया जी सर। और 9 की रसीद कटी है क्योंकि हम लकड़ी 10:50 में लेके आ रहे थे तो घंटा डेढ़ घंटा हम पिपरिया में रुक गए। ये पूरा वाकया जो आपके साथ घटा, इसकी आपने कहीं शिकायत सिखवा की उच्च अधिकारियों को? हाँ सर, जब हम 2-3 दिन नहीं सुन देखे कि कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही तब हम हेल्पलाइन में एक आवेदन जारी किया सर। जी सर, जी सर। अच्छा, अगर आपको यहाँ से भी न्याय नहीं मिलता तो फिर आगे आप क्या करेंगे? सर अब देखो, अब क्या करेंगे, बस वही हाथ जोड़ के तो है सभी से कि जो हमारा सब जब्ती है उसका पूरा निदान कर उसके तय तक जाए सरकार और उसके बाद हमें और हमारी गाड़ी और माल को सुरक्षित वापस। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम तेजेश्वर बढ़ाई है। कहाँ से निवास कर? सर मैं ग्राम पंचायत कनौर का, तहसील बरही, जिला कटनी का।